सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्राओं की शुभकामनाएं। आज पहला नवरात्रा है और शुभ कार्य यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं दीक्षित जोगटा जी से चाहूंगा कि वो दो शब्द बोलें, उसके बाद हम विस्तृत वार्ता को शुरू करते हैं। जोगटा जी। धन्यवाद भाई रविंद्र जी, आप सभी प्रेस का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की है, जैसे कि आपको रविंद्र कंवर जी और भाई पूरन जी ने बताया, जो हमारा किसान न्याय गारंटी है उसका विमोचन आज हम यहाँ पे इस प्रेस वार्ता में करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अभी पीछे रविंद्र कंवर जी को से संयोजित रूप में नियुक्ति दी गई है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस में। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल खेरा जी, जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ बैठकर जो न्याय कार्ड न्याय गारंटी हमारी इलेक्शन मैनिफेस्टो के लिए दी गई हैं लोकसभा चुनाव के लिए, उसके अंतर्गत किसान न्याय गारंटी भी उसमें इंक्लूड की गई है, उसका विमोचन आज कंवर रविंद्र जी स्वयं आपके सामने और समक्ष करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जोगटा जी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की एक मीटिंग 20 मार्च को 24 अकबर रोड दिल्ली पे हुई थी और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल खेड़ा जी ने सभी नियुक्त कोऑर्डिनेटर्स और जॉइंट कोऑर्डिनेटर्स के मैनिफेस्टो में भी है उसको लेकर के जाना है, लोगों को जागृत करना है, क्योंकि हम किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, किसान कांग्रेस में पदाधिकारी हैं, इसलिए हम सिर्फ किसान न्याय की ही बात करेंगे। हालांकि मैनिफेस्टो में और भी गारंटीज हैं, आप लोगों ने, आप प्रेस के बंधु हमेशा एक कदम आगे रहते हैं, तो आपने तो सारा मैनिफेस्टो पढ़ ही लिया होगा। तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं किसान न्याय गारंटी का अवलोकन। मैं चाहूंगा कि ये पत्र सभी मीडिया बंधुओं को भी दिखाया जाए। वैसे आपको ये वितरित कर दिए जाएंगे, परंतु फिर भी मैं आपके समक्ष एक बार ये पढ़ के सुना देता हूँ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किसानों को लेकर के क्या क्या बातें रखी गई हैं और क्या ऐसी न्याय गारंटियां किसानों के लिए हैं जो हम पूरे देश भर के किसानों बागवानों के लिए लेकर के आएंगे। सबसे पहले किसान जीएसटी मुक्त होंगे। इस प्रकार आपने देखा पिछले 10 साल के शासनकाल में जब जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन हुई, उसके बाद में किसानों के ऊपर में बोझ बढ़ता गया, चाहे वो खाद्यान्न पदार्थ हो या फिर किसानों के द्वारा किए गए उत्पाद हो, उनके ऊपर में जीएसटी लगता रहा है। हम ये कहते हैं कि किसान जो है वो सबसे निम्न वर्ग से आता है, उसको आर्थिकी में बहुत सी समस्याएं पहले से ही आती है, यदि हम उसके ऊपर जीएसटी का बोझ ला देंगे तो ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हमें चाहिए कि सबसे पहले हम किसान को जीएसटी से राहत दें और उसके बाद जितने भी और निम्न वर्ग हैं उनको भी जीएसटी से राहत दी जाए, क्योंकि किसी भी प्रकार की टैक्सेशन किसानी में नहीं होनी चाहिए, हमारा कांग्रेस का ऐसा मानना है और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं कि हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो हम जीएसटी से किसानों को मुक्त करेंगे। एमएसपी को कानूनी दर्जा देना ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत समय से बात चलती आ रही है, जब से स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ, स्वामीनाथन आयोग के गठन के बाद से ये मांगे बार बार उठती रही है, लेकिन केंद्र में सरकार विपरीत थी और उन लोगों ने इस बारे में इतना ध्यान नहीं दिया। अब तो एम एस स्वामीनाथन जी भी हमारे बीच में नहीं रहे, जो कि हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो इम्प्लीमेंटेशन है वो की जाएगी और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा ताकि किसान जो है उसकी जो आय है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि
होता क्या है कि जो केंद्र में सरकार है वो सिर्फ बातें तो करती है, परंतु जब धरातल की बात आती है तो धरातल में वो हमें किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं देती। तो किसानों को आज आवश्यकता है एमएसपी की, उनको आवश्यकता है एमएसपी को सख्ती से लागू करके उनको गारंटी के तौर पे दिया जाए। इसके लिए किसान कांग्रेस हर घर तक ये पत्र लेकर के जाएगी और जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनेगी तो उस समय इस गारंटी को भी पूरा किया जाएगा। एक और बात जो हम पिछले एक डेढ़ साल से करते आ रहे थे हिमाचल प्रदेश से भी, और ये बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं है बल्कि पूरे देश की है, कि किसानों को ऋण से माफी दी जाए और इसके लिए एक आयोग की स्थापना की जाए। कांग्रेस पार्टी ऐसा समझती है कि जो जो भी किसान ऋण के, हम चाहते हैं कांग्रेस सरकार की ये गारंटी है कि हम जब केंद्र में सरकार में आएंगे तो हम एक आयोग की स्थापना करेंगे जिससे कि कृषि में जो भी ऋण दिए गए हैं उनको एक तरह से आंकलन किया जाए और जहां उनकी आवश्यकता है उनको माफ किया जाए। आयात निर्यात की नीति जो अभी तक हमारी केंद्र सरकार ने भारतवर्ष में लागू की है वो कुछ इस प्रकार की है कि यदि आप पिछले कल या पिछले हफ्ते के आंकड़े उठाएंगे, वीडियोस देखेंगे, न्यूज देखेंगे तो आप हतप्रभ रह जाएंगे कि मंडियों में जो कोल्ड स्टोर का सेब हिमाचल प्रदेश का अभी बिक रहा है उसका मूल्य 3 गुना कम है जो मूल्य हम सीजन के समय पे यहाँ हिमाचल में लेते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मोदी सरकार की जो नीतियां रही हैं आयात निर्यात को लेकर के उसका खामियाजा पूरे भारतवर्ष के किसानों के साथ साथ हिमाचल वर्ष के किसानों और बागवानों को भुगतना पड़ा है। आप देखेंगे 1 सितंबर से लेकर के अभी तक लगभग 50 लाख से ज्यादा पेटियां वॉशिंगटन एप्पल की इम्पोर्ट की जा चुकी है विभिन्न माध्यमों से, और उसके कारण स्थिति ये बनी है कि जो हिमाचल प्रदेश का अपना एप्पल है चाहे वो कोल्ड स्टोर एक किसान ने किया था या फिर एक व्यापारी ने उसे लेकर के किया था उसको वो मूल्य नहीं मिल रहे हैं जो हर साल मिला करते थे। ये अपने आप में बड़ी चिंताजनक बात है। यदि हर साल ऐसा होता रहा, अगर रियलिटी शुल्क हटाते गए, इम्पोर्ट ड्यूटीज हटाते गए, तो एक परिस्थिति ऐसी जरूर बनेगी कि जब हमारा किसान बागवान जो है वो उसकी पैदावार की भी जो खपत होती है उतना भी मूल्य उसको एक पेटी का या 1 किलो सेब का नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कांग्रेस सरकार वचनबद्ध है कि जब हम केंद्र में सरकार में आएंगे तो इसके लिए एक नीति बनाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात पीएम फसल बीमा योजना, जिसका कि प्रचार केंद्र सरकार ने बहुत जोरों शोरों पर किया था, परंतु धरातल पे जब देखते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश में पिछले साल आपदा आई कितने ऐसे लोग हैं जो बेनिफिशरीज रहे पीएम फसल बीमा योजना के, तो हमें पता लगता है कि आंकड़े जो हैं वो उस हिसाब के नहीं हैं। इस फसल बीमा योजना के अंतर्गत में इतने लूप होल्स हैं कि आम आदमी को इसका बेनिफिट नहीं मिलता है, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम होगा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में। कांग्रेस का जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ बदलाव लाएंगे और इस बात को निश्चित करेंगे कि 30 दिन के अंदर यदि नुकसान किसी किसान का होता है तो उसको फास्ट ट्रैक करके उसको उसके खामियाजे का भुगतान किया जाए। ये 5 किसान न्याय गारंटियां हैं जो आपको कांग्रेस के नेशनल मैनिफेस्टो में भी मिलेगी। हम सिर्फ इन्हीं का अवलोकन यहां कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें आदेश दिया था कि हमें ये किसान न्याय गारंटियां हर व्यक्ति तक पूरे देश में प्रदेश में पहुंचानी है, उसका कार्य हम यहां से हिमाचल प्रदेश का आज शुरू करते हैं। पहले चरण में हम 20,000 लीफलेट्स किसान न्याय गारंटी के विभिन्न ब्लॉक्स में और जिलों में वितरित करेंगे ताकि हम लोगों तक ये आवाज पहुंचा पाए कि किस प्रकार से कांग्रेस सरकार केंद्र में आने के बाद किसानों के साथ न्याय करेगी। इसके अलावा मैनिफेस्टो में और भी रोजगार को लेकर के और भी बहुत सी चीजें हैं जो मैनिफेस्टो आपके पास पिछले हफ्ते ऑलरेडी पहुंच गया होगा। इसके साथ साथ आज की प्रेस वार्ता का एक सबसे मुख्य बिंदु ये भी था कि हम चाहते थे कि ब्लॉक स्तर पे किसान कांग्रेस को और मजबूती दी जाए, और कुछ ऐसे लोग हैं जो वर विलिंग टू वर्क, जो चाहते हैं काम करना, उन लोगों को हमने ब्लॉक कार्यकारिणी में जगह दी है। और मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं उन लोगों का आपसे परिचय करवाता हूँ। सर्वप्रथम है हमारे बीच में
भाई संजीव शर्मा जी जो जुब्बल नाउर कोटखाई से आते हैं और बहुत ही कर्मठ और कांग्रेसी विचारधारा के साथ बहुत समय से जुड़े रहे हैं, मेरे साथ छात्र राजनीति में भी ये रहे और हम एक ही स्कूल और कॉलेज में भी पढ़े, तो मैं इनको जानता हूँ। मैं आज बड़ा हर्षित हूँ कि इन्हें ब्लॉक किसान कांग्रेस जुब्बल नाउर कोटखाई का किसान कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो मनोनीत किया जाता है। मैं आशा करूंगा कि आप अपनी जिम्मेवारियों का वहन जो है वो पूरी जिम्मेवारी से करेंगे। और हमारे बीच में है भाई रवि शर्मा जी। रवि शर्मा जी चेव कुमारसन से आते हैं और मैं इन्हें बड़ी लंबी अवधि से जानता हूँ। ये इससे पहले यूथ कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, तो इनको ब्लॉक कांग्रेस किसान कांग्रेस चेव कुमारसन का आज अध्यक्ष मनोनीत करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ साथ कुछ दो नियुक्तियां और हैं।